गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको पार्ट 9 समास के अंतर्गत समास के भेदों को विस्तार से बताऊंगी, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और वो प्रधान भी होता है। पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। अव्यय वो होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो अव्यय होते हैं। जैसे आ जन। अब यहाँ पर आ पूर्व पद है और ये अव्यय है और ये प्रधान भी है। आ जन्म, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो हो जाएगा जन्म से लेकर। यथा शक्ति, इसमें यथा पूर्व पद है और पूर्व पद हमारा अव्यय है और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। आप इन सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में देखिएगा कि इसमें जो विभक्तियां लगी हुई हैं उनका जब हम समास बनाते हैं, समास पद बनाते हैं, तो उनका सबका लोप हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। जब समास विग्रह में हमें विभक्तियों की जरूरत पड़ती है और जब हम समस्त पद बनाते हैं, समास बनाते हैं, तो उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। हाथों हाथ। हाथों इसमें पूर्व पद है और ये अव्यय है और इसका समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। प्रतिदिन, प्रति पूर्व पद और ये अव्यय है और प्रधान भी है और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन दिन। भर सक, इसमें भर पूर्व पद है और वो अव्यय व प्रधान है और इसका समास विग्रह होगा पूरी शक्ति से। आप इन सारे ही वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि जो भी विभक्तियां लगी हुई हैं उनको जब समस्त पद बनाया, उनको जब समास बनाया, तो उन सारी ही विभक्तियों का लोप हो गया है। तो जो अव्यय भाव समास होता है उसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद अव्यय होता है और वो प्रधान भी होता है। थैंक यू।